हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। अभी तक हमने डिफरेंट बायोम के बारे में जानकारी ली। अभी मेरे जो पब्लिश हुए 8-10 वीडियो, उसमें मैंने डिफरेंट बायोम के बारे में आपको बताया कि टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, वहाँ पर पाया जाने वाला फ्लोरा फाउना, इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कौन कौन से बायोम प्रेजेंट है और वो कहाँ कहाँ पर है। सो दैट इज एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट बायोम्स इन इंडिया। ओके, तो ये लिस्ट की तरह है, देखो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। जैसे कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट अगर देखो तो दिस इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो सेवन सिस्टर्स है वहाँ पर, हिमालयन फुटहिल के एरिया के यहाँ हम देख सकते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके अलावा झारखंड में, वेस्ट ओरिसा, छत्तीसगढ़ में कहीं पर, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट में भी इस तरह के फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं। फिर देखो टाइगर बायोम जो है वो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। देन देर इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पर है देखो, एंड वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के यहाँ। इसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड अगर इंडिया में देखो तो वो है नॉर्थ इंडिया में, फिर सेंट्रल इंडिया में भी कई जगह पर है, सम रीजन ऑफ गुजरात एंड सम रीजन ऑफ घाट्स, वेस्टर्न घाट के यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड हमें कहीं दिखाई देता है। फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप का जो बायोम है दैट इज फाउंड इन अ कर्नाटका रीजन, शोला ग्रासलैंड, इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, थार डेजर्ट के यहाँ दिखाई देते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसके अलावा अरावली रेंजेस जो है राजस्थान में और गुजरात तक वो आते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दिखाई देते हैं। देन शिवालिक हिल्स एंड सम पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, जहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक का रीजन आता है। डेजर्ट बायोम, डेजर्ट बायोम देखो हमने देखा है कि कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं और हॉट डेजर्ट भी होते हैं, तो ट्रांस हिमालयन रीजन में हमें कोल्ड डेजर्ट दिखाई देंगे और कच्छ एरिया में डेजर्ट ऑफ कच्छ एंड सैंडी थार डेजर्ट, ये हॉट डेजर्ट होंगे। ठीक है, फिर टुंड्रा बायोम, हमारे भारत में अल्पाइन टुंड्रा पाए जाएंगे, भारत कहीं पोलार रीजन पे नहीं आता है, तो इस वजह से जहाँ पर ऊंची हाइट है हिमालयन रीजन में वहाँ पर हम अल्पाइन टुंड्रा के नाम से जानते हैं ना, अल्टीट्यूड अगर ज़्यादा है तो, सो दैट टाइप ऑफ टुंड्रा इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एंड दैट इज नोन एज अल्पाइन टुंड्रा, जो होगा हिमालयन रीजन में। ठीक है, फिर वेटलैंड, हमें काफ़ी सारा ओशन का एरिया मिला हुआ है साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर देखो इसके अलावा जहाँ भी पानी का एरिया है, जहाँ भी रिवर्स है वहाँ पर वेटलैंड पाए जाएंगे, तो इसके हिसाब से रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, लोकटक लेक मणिपुर में, उड़ीसा में चिल्का लेक है देखो, सांभर लेक राजस्थान, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, इसकी काफ़ी बड़ी लिस्ट मुझे नेट पर मिली हुई थी, तो उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो ऐसा एरिया हमारे यहाँ काफ़ी है, कहने का मतलब ये है कि वेटलैंड एरिया हमारे भारत में बहुत पाया जाएगा, तो इसके बायोम भी ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट बायोम इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हमने देखा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।